सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा में 12 मई को मतदान होगा, जिसके लेकर पार्टियों की तरफ से प्रचार का दौर जारी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अजय यादव ने कई जनसभाएं की। कैप्टन अजय यादव ने नाथूपुर, चक्करपुर, कन्हई, सिलोखरा समेत कई इलाकों में लोगों से मुलाकात कर उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। सुंदर जी जो है ये हमारा चाहते हैं कि लोकतंत्र बहाल रहे। जैसे महान व्यक्ति के ऊपर भी यौन शोषण का जो है एक लड़ाई है। लोगों में बड़ा भारी जोश है, सरकार के प्रति रोष है। मेट्रो का विस्तारीकरण नहीं हुआ, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 25 बसें केवल चलाई हैं। जीएमडीए के अंदर 500 रुपये जो दिए गए हैं वो भी जो स्टैम्प ड्यूटी है एमसीडी की उससे दोबारा दिए गए हैं। जीएमडीए सही मूल रूप में स्वरूप में आया नहीं। सबसे प्रदूषित शहर है आपके यहाँ, जो यूनिवर्सिटी है उसकी ज़मीन में काकरों में एक ईंट रंग नहीं लगाई। आपकी जो अपना डिफेंस यूनिवर्सिटी है उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो सरकार में, और मैं भी नाथूपुर गांव में गया था, ना वहाँ सीवरेज है ना पानी की व्यवस्था है, बहुत लोग वहाँ तंग हैं। और वहाँ के जो हरिजन भाई हैं वो कह रहे हैं कि हमारे सारे सीवर भरे पड़े हैं। तो ये काम एमसीडी का है। तो ये जो निष्क्रिय सरकार है हर तरीके से, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सेना घुस के मारती है, नेता नहीं मारते हैं। तो जो भी श्रेय है वो सेना को है, वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है।